रावण का रेप्टिलियन कनेक्शन। दिस इज रावणास क्लॉज। Hello guys, welcome to Bong Voyager and welcome to a very 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 special initiative by team detectives of Supernatural known as Dimension X. This is all about alien gods, the ancient gods and UFO sightings. तो आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी मिल चुका होगा, सो लेट अस नॉट वेस्ट एनी टाइम बिकॉज इट्स टाइम टू फ्लाई, सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड लेट्स गो टू श्रीलंका। So guys, welcome to Colombo. We just came out of the airport. सिगिरिया एक प्राचीन लेकिन एक बहुत ही छोटा सा शहर श्रीलंका में। रामायण के साथ श्रीलंका बहुत डीपली कनेक्टेड है एंड रावण को और करीब से जानने के लिए हम लोग पहुंच गए श्रीलंका में एंड स्पेशली सिगिरिया में, जो करीब 170 किलोमीटर दूरी पे है श्रीलंका के राजधानी कोलंबो से। राइट इन बिटवीन द ट्रॉपिकल प्लेन्स ऑफ सिगिरिया यू विल फाइंड दिस जायंट हुपिंग 200 मीटर्स हाई सिगिरिया लायंस रॉक। एंड इसी लायंस रॉक के ऊपर बहुत सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि रावण का पैलेस आज भी पाया जाता है। बिलियंस ऑफ स्टार्स इन आवर यूनिवर्स, सदियों से कहा गया अनगिनत यूएफओ मिस्ट्रीज। क्या एलियंस रियल है? क्या रावणा एक एलियन था? क्या है पुष्पक विमान? आप लोगों को ये बता दूं दोस्तों कि सिगिरिया लायंस रॉक इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हालांकि ये रॉक हजारों साल पुराना है, लेकिन मॉडर्न एरा में दिस रॉक वाज ओनली डिस्कवर्ड अराउंड 100 इयर्स एगो इन द ईयर 1831 बाय अ ब्रिटिश ऑफिसर। सो दोस्तों, दिस इज द थ्रोन रूम ऑफ किंग रावणा, उनका सिंहासन। एंड इधर नोट करने वाला दो चीजें दोस्तों, आप अगर थोड़ा गौर से देखोगे, द एंटायर टॉप पोर्शन ऑफ दिस रॉक हैज बीन कट ऑफ एंड मेड फ्लैट। ठीक जैसे एक बटर का बॉल को हम लोग नाइफ से स्मूथ करके काट सकते हैं, उसी तरह देख के लग रहा है कि एंटायर हेवी सॉलिड रॉक को कुछ एंशियंट टेक्नोलॉजी या फिर कुछ एंशियंट टूल से स्मूथली पॉलिश तरीके से काटा गया है। एंड सेकेंड पॉइंट ये है दोस्तों, आप अगर थोड़ा गौर से रावण का सिंहासन की तरफ देखोगे, इसका लेंथ भी नॉर्मल सिंहासन से काफ़ी लंबा है, अराउंड 10 feet लॉन्ग। सो हम लोग के एंशियंट टेक्स्ट से एक रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि रावण वॉज अ जायंट, वो एक राक्षस था। सो उस हिसाब से 10 feet लेंथ इज क्वाइट एविडेंट, क्योंकि एक राक्षस का हाइट विल बी मोर देन ह्यूमन, सो वी कैन से अराउंड 10 to 15 feet टॉल तो वी कैन अज्यूम। तो दोस्तों, इसके पहले कि हम लोग नेक्स्ट एविडेंस में जाए, मेरा ये अनुरोध है आप लोग से, कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे आगे पता चले नेक्स्ट क्या वीडियो आने वाला है। द नेक्स्ट एविडेंस इज अबाउट द लायंस क्लॉज। हाँ दोस्तों, आप जब ये रॉक में ऊपर के तरफ क्लाइम करोगे, इन द मिडल यू विल फाइंड अ बिग लैंडिंग एरिया। एंड लैंडिंग एरिया से आप अगर फिर ऊपर जाने की कोशिश करोगे, जो स्टेयर केस है उसके ठीक लेफ्ट में आपको एक जायंट लायंस क्लॉज दिखेगा। लोकल लोग बोलते हैं लायंस क्लॉज, बट अगर आप गौर से देखोगे, इट इज नॉट एग्जैक्टली द लायंस क्लॉज, अ स्ट्रक्चर इन द शेप ऑफ अ लायंस क्लॉ, बट मुझे लगता है इट बिलोंग्स टू सम एंशियंट एनिमल और सम एंशियंट एलियन। दिस इज ह्यूज, 10
10 feet in height and 10 feet wide. Local Sri Lankans ka mano to, it belongs to a lion and that's why it is known as Lion's Claw and ye gate ka bhi naam un log ne diya hai, Lion's Gate. But it is neither a human nor it's any sort of a lion. It's some ancient creature with well-defined fingers and nails. Lion does not have 4 toes, but 5 toes. So it cannot be a lion. Lekin aap agar reptiles ke taraf jaoge, reptiles does have 4 toes, for example dinosaurs. So look at this similarity between a reptilian and this structure. क्या आपको पता है दोस्तों, श्रीलंका का एंशियंट नाम नागादीपा था. नागादीपा. नागा मीन्स इट कम्स फ्रॉम नाग और नागिन, समवॉट रिलेटेड टू स्नेक्स. और स्नेक्स क्या होता है? रेप्टाइल. सो यू गॉट द कनेक्शन. किंग रावणा को माइथोलॉजिकल हिस्ट्री में डिस्क्राइब किया गया है कि ही वॉज अ हाफ ह्यूमनॉइड. दैट मीन्स हिज फादर वॉज अ ह्यूमन, लेकिन His mother, she was not a human but from some other species. बहुत सारे experts ये भी मानता है कि King Ravana was basically half reptilian and that's why he could actually camouflage or change his form or even be invisible. So these are suggestions by experts and they say that history में ऐसे evidence पाया जाता है about King Ravana. Ravana is a very important character in Sri Lanka. श्रीलंका का फर्स्ट सैटेलाइट के नाम भी किंग रावणा के ऊपर रखा गया है. हिस्टोरियंस एंड यूफोलॉजिस्ट का मानना यह है कि रावणा वॉज अ रेप्टिलियन, नॉट फुल्ली अ ह्यूमन. ही वॉज अ जायंट, वो एक राक्षस था, अराउंड 10 फीट इन हाइट एंड विथ रेप्टिलियन फीचर्स लाइक बींग इनविजिबल जस्ट लाइक अ कैमेलियन. एंड उनका स्किन का कलर हरा था, ग्रीन. श्रीलंकन स्नेक्स और रेप्टाइल्स का नाम भी बहुत डीपली कनेक्टेड है विथ रावणा. दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस. एंड बेस्ड ऑन द लोकल्स, नागा डज नॉट मीन स्नेक्स बट इट हैड ह्यूमनॉइड एंसेस्टर्स. रेप्टिलियन एंसेस्टर्स डिसअपीयर्ड बट दे प्रॉमिस्ड कि एक दिन वो लोग वापस आएंगे जरूर. और अगर ये क्लॉस कोई रेप्टिलियन स्पीशीज का नहीं भी है तो भी हम लोग ये आराम से बोल सकते हैं कि जो भी आर्किटेक्ट एंशियंट टाइम में ये स्ट्रक्चर बनाया था, दे हैव इमेजिन्ड रावणा एज अ रेप्टिलियन. इट हैज टू बी रावणास बॉस. रामायण में आपने बहुत बार पुष्पक विमान के बारे में सुने होंगे या फिर पढ़े होंगे. पुष्पक विमान ही वो था जिसके ऊपर रावण चढ़ के एक जगह से और एक जगह तक उड़ के जाता था. अभी भी एक रेफरेंस आपको इलोरा केव्स में मिलेगा. उधर एक स्टैचू है जो देखकर आप सिंपली समझ सकते हो दैट इट इज स्ट्रैप्ड टू अ विमाना एंड इट इज वेरी मच सिमिलर टू द प्रोपेलर ऑफ अ मॉडर्न डे जेट पैक. आप खुद ही ये पिक्चर देख के समझ सकते हो द क्लोज रेजेंब्लेंस टू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये छोड़ के भी दोस्तों, श्रीलंका में बहुत सारा यूएफओ साइटिंग्स हुआ है, स्पेशली ओवर सिगिरिया एंड हम्बनटोटा. सो इट मे बी अ कोइंसिडेंस दोस्तों, लेकिन मेरा ये मानना है एंड आई ड्यूली रेस्पेक्ट जो भी एक्सपर्ट्स इसको मानता है, उनका जो थ्योरी है, उनका जो सोच है, दैट मे बी द एंशियंट टेक्नोलॉजीज एंड द एंशियंट गॉड्स समवेयर डाउन द लाइन दे आर कनेक्टेड टू योर प्रेजेंट टेक्नोलॉजी. एंड व्हाई योर प्रेजेंट टेक्नोलॉजी? टू द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज येट टू कम, दैट इज येट टू कम फॉर आर ह्यूमन सिविलाइजेशन. सो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सच में किंग रावणा एक एलियन था? क्या किंग रावणा वॉज एक्चुअली अ हाइब्रिड स्पीशीज, अ मिक्सचर ऑफ ह्यूमनॉइड फॉर्म, अ मिक्सचर ऑफ रेप्टिलियन रेस? आपको क्या लगता है? सो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए आपका जो व्यू है, आपको क्या सही लगा, क्या आपको सही नहीं लगा, ताकि मैं उसके ऊपर और भी स्टडी कर सकूँ एंड आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज बनाते रहूँ. तो दोस्तों, आई होप यू हैव लाइक द वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड डोंट फॉरगेट
टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आपको सबसे आगे पता रहे कि क्या वीडियो नेक्स्ट अपलोड होने वाला है. एंड टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एज यूजुअल कीप रॉकिंग. सिगिरिया एक प्राचीन लेकिन एक बहुत ही छोटा सा शहर श्रीलंका में. रामायण के साथ श्रीलंका बहुत डीपली कनेक्टेड है एंड रावण को और करीब से जानने के लिए हम लोग पहुंच गए श्रीलंका में एंड स्पेशली सिगिरिया में जो करीब 170 किलोमीटर दूरी पे है श्रीलंका के राजधानी कोलंबो से. राइट इन बिटवीन द ट्रॉपिकल प्लेन्स of Sigiriya, you will find this giant, whopping 200 meters high, Sigiriya Lion's Rock. And इसी Lion's Rock के ऊपर बहुत सारे historians ये मानते हैं कि रावण का palace आज भी पाया जाता है.